हाफ के जी चिकन लिया है और आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी। इसके लिए इसको मैंने सिरके में डिबो के आधे घंटे घंटे से रखा हुआ है, तकरीबन 1 घंटे से रखा हुआ है। अब मैं इसको वॉश करूँगी और फिर इसको मैरिनेट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे वॉश करके लाती हूँ। चिकन को मैंने वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक टीस्पून पिसा हुआ जीरा डालेंगे और हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च। मिर्च आप अपने हंस में जायका भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें पीस के डालेंगे। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक डालेंगे, ये दोनों पिसे हुए हैं। और इसके अंदर ये 3 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। हम इसके अंदर लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डालेंगे और हाफ कप इसके अंदर दही डाल देंगे और इसे फिर मैरिनेट करने के लिए 1-2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। जैसे ही ये मैरिनेट हो जाएगा तो हम इसे जो है कुक करेंगे। इसके अंदर मैंने क्रीम, दही, लहसुन अदरक, ज़ीरा, काली मिर्च और हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सोया सॉस भी डालूंगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डाल दूंगी, ये देखिए, और इसे मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सिरका भी डालें। चलो अब हमें 1 घंटे के बाद इसे पकाते हैं और फिर मिलते हैं। हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम अपनी दो ही रखेंगे। थोड़ा सा इसमें लहसुन डालेंगे बिल्कुल हाफ टी स्पून के बराबर और इसे हम जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर सारा डाल देंगे और फिर उसे अच्छी तरह ऑयल में पका लेंगे। नमक हंसवे जायका इसमें डालेंगे। वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैंने थोड़ा सा नमक पहले डाला था और अब थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। ये कुक हो रहा है, जैसे ही इसके अंदर बॉइल आता है तो हम इसे आंच को लो कर देंगे।
हमारी कढ़ाई बोटी रेडी हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और हरी मिर्चों से हम इसे गार्निश करेंगे। आप इस पर कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।